गाड़ी पाकर क्या था वाओ नाइस प्लेस यार कम मिलते थे मतलब फिर एक बात समझ में नहीं आती इन लड़कों की दिक्कत क्या है मतलब रेस्टोरेंट के अंदर भी सनग्लासेस पहने यहाँ कौन सा धूप पड़ रही है ओ गॉड बेब ग्रो अप आध्या इन लड़कों ने चश्मे धूप से बचने के लिए नहीं पहने दे हैव वोन इट टू चेक आउट गर्ल्स ओके सो लाइक द प्लेस कैसी लगी ये जगह इट्स अमेजिंग यार गुड चॉइस मेरी चॉइस हमेशा से अच्छी रही है इट्स वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस ऑर्डर एनीथिंग जो तुम्हें पसंद हो इसने क्यों सनग्लासेस पहन लिए ऐश्वर्या को चेकआउट करने के लिए जय प्लीज अपना ये चश्मा निकाल दो क्यों इसमें क्या प्रॉब्लम है और बाकी सबने भी तो पहना है तो मतलब अगर सब कुएं में कूद रहे तुम भी कूदोगे कुएं में क्या कूदना है इतना ग्लेयर आ रहा है इसलिए पहना तुम्हें ये चश्मा सूट नहीं कर रहा यू मीन ये 25,000 के ग्लेयर्स इतने हॉट हैं जो मुझ पे अच्छे नहीं लग रहे कुछ झल्ले लग रहे हो तुम्हें और उसमें कोई फर्क नहीं दिख रहा प्लीज उतार दो ओके फाइन तुम्हें जो उतार दिए हैप्पी नाउ एक्सक्यूज मी वन स्पेगेटी विद रेड सॉस आद्या ग्रो अप यार इतने सालों से तुम्हारी सेम चॉइसेस है चेंज देम एनीवे जय तुम मुझे बताओ इतने सालों के तुम्हारी चॉइस तो चेंज जरूर हुए होगे राइट तुम्हें पता है मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ इसलिए मेरी चॉइसेस बदलती रहती हैं यू नो तुम्हारी विशेस पूरी करना चाहता हूँ बचपन से आज तक तुम्हारी जो भी विशेस हैं या जो भी चीजें तुम्हें करनी है वो सब पूरी करने में मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो ऐश्वर्या मैं इतनी जल्दी नई चीजें ट्राई नहीं करती वो क्या है ना पुरानी चीजें इतनी जल्दी भूल जाना ये मेरी आदत नहीं मैं इतनी जल्दी अपनी प्रायोरिटीज चेंज नहीं करती मतलब कुछ नहीं मैं वॉशरूम होकर आती श्योर सो जय लगता है तुम और आद्या काफी क्लोज हो मैं और आद्या हाँ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है जैसे वो मेरी लाइफ में आई है ना मैं काफी चेंज हो गया एंड यू नो व्हाट आद्या बहुत अच्छी लड़की है एंड आई एम लकी टू हैव हर थोड़ी सी ट्रिकी थी थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी आउट वरना तो मैं ये ड्रेस पहन ही नहीं पाती थी चश्मे धूप से बचने के लिए नहीं पहने दे हैव वोन इट टू चेक आउट गर्ल नहीं मैं गुस्सा नहीं करूंगी मैं गुस्सा नहीं करूंगी मैं भी स्माइल करूंगी मस्ती करूंगी ऐश्वर्या पिज्जा इज रियली गुड यू शुड ट्राई तुम्हें ट्राई करना चाहिए आई विल ट्राई दैट पिज्जा अच्छा हाँ यू वांट टू टेस्ट
एक और बाइट लोगे? तुम्हें याद नहीं है वो गुजराती अंकल के सामने भी मैंने सेम हरकत की थी। अंकल तो कंप्लीट शॉक में आ गए थे। अगर दो तीन मिनट हम उधर खड़े रहते ना तो अंकल को तो हार्ट अटैक आ जाना था। मुझे याद है। यार टू मच। काफी अच्छी जगह थी यार। ऑब्वियसली बहुत अच्छी जगह थी। आद्या, क्यों तुम इतनी चुपचाप सी क्यों? हमारे रेस्टोरेंट में तुमने अच्छे से कुछ खाया भी नहीं। सब ठीक तो है ना? नहीं जय, मैं ठीक हूँ। आद्या, जय ने तुम्हें वो शिमला वाली बात बताई कि नहीं? जहाँ डिस्क में हम पी के इतने टल्ली हो गए थे कि हम एक ही काउच पे सो गए थे, याद है? And we didn't even realize. अच्छा जब मुझे घर छोड़। अभी तो हम लोग ड्राइव पे जा रहे हैं ना, उसके बाद ड्रॉप कर दूंगा। नहीं नहीं, लेकिन अभी मुझे घर जाना है प्लीज। अच्छा ठीक है, वो पास में भी घर आने वाले दो मिनट में, पहले वहां चलते हैं। मुझे वॉशरूम जाना है, उसके बाद चलते हैं। लो आ गया मेरा सर, मैं दो मिनट में वॉशरूम से आता हूँ। एक्चुअली मुझे भी वॉशरूम जाना था। हाँ श्योर, व्हाई नॉट, प्लीज आ जाओ। आ तुम भी चलो। नहीं मैं यहीं से घर चली जाऊंगी। अरे चलो ना, कुछ कॉफी वगैरह भी पी लेंगे, आ जाओ। नहीं मुझे कोई कॉफी वॉफी नहीं पीनी है, मैं एक काम करती हूँ, मैं यहीं से चली। अरे मगर आद्या, तुम जा कर रही हो? मैं चली जाऊंगी। अरे बट क्यों? अरे मैंने कहा ना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्या हो गया तुम्हें? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? क्या हो रहा है यार? हाँ जय, अब तो तुम्हें मेरे गुस्से से भी प्रॉब्लम होगी। तुम्हारी दोस्त जो आ गई जिसके साथ तुमने खेले काउच पे, और सुबह पूरी दुनिया को उसके बारे में पता चला, और उसके ऊपर तुम हंस भी रहे हो। आद्या यार, बर्ड थे हम लोग, सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत नशे में थे। लेकिन तुम इतना सीरियसली क्यों ले रही हो इस बात को? सीरियसली जय, तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसे भी तुमने मजाक बना दिया। अरे मजाक की कोई हद बची है या नहीं? आद्या, 4 साल पुरानी बात, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? और ये आंटी वाली हरकत क्यों कर रही हो तुम? आंटी? मैं आंटी हूँ? हाँ। वैसे मैं आप ही के पास आ रही थी। Really? Why? मुझे एक गुड न्यूज तो देनी है। Means ये कि आपका काम शुरू हो गया। So fast? Yes. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। Oh my boy. See? तुम आंटी नहीं हो, पर listen, calm down. अब मुझ जैसी बोरिंग लड़की तो तुम्हें आंटी लगेगी ना? Good. Very good. मैं बोरिंग हूँ, चिड़चिड़ी हूँ, ना मुझे मस्ती करनी आती है, ना मजे करने आते हैं, ना कपड़े पहनने का सेंस है। मैं तो तुम्हें आंटी ही लगूंगी। सीरियसली आंटी, ये आध्या जितनी भोली दिखती है ना, उतनी वो है नहीं। Not at all. मैंने जस्ट इमेजिन आंटी, आज के टाइम में इतना सीधा कौन होता है? और आपने जब मुझे बताया कि इसने जय के कजिन के साथ क्या किया था,
और वो वही सेम चीज जय के साथ करने की कोशिश कर रही है, तब मेरा डाउट और भी क्लियर हो गया। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हें ये इनसिक्योरिटीज कब से होने लगी? यस, इनकी सो कॉल्ड फ्रेंडशिप में ऐसा फुल स्टॉप लगाऊंगी कि लाइफ में कभी एक दूसरे को पलट के भी नहीं देखेंगे। यही तो मैं चाहती हूं, और मैं एकदम श्योर हूं कि ओनली यू कैन डू इट। आध्या, हमारी दोस्ती मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। जय, हमें देर हो रही है, मैं ऐश्वर्या को बुला के लेके आती हूँ। शो उसकी वजह से क्यों करती है ना? एग्जैक्टली आंटी। नमस्ते आंटी। जय, दिस इज नॉट फेयर। हाँ, तुमने मुझे अपने मॉम से पहले क्यों नहीं मिलवाया? अगर मैं पहले मिली होती तो मुझे पता चलता, शी इज सो स्वीट। राइट आंटी? सुपर राइट बेटा। यू नो जय, बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो टॉकी भी होते हैं और फनी भी होते हैं। घर में आते ही एकदम घर चहक उठता है। अदरवाइज आजकल तो हमारे घर में ऐसे लोगों की कमिंग गोइंग है जो सिर्फ प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं। सो बेटा ऐश, कीप कमिंग कमिंग। श्योर आंटी, अब तो आना जाना लगा रहेगा। आफ्टर ऑल ये जय का घर है। mm-hmm. जय का घर इज इक्वल टू तुम्हारा घर। ओह, सो स्वीट ऑफ यू आंटी। लेकिन ऐश्वर्या, तुम तो कल ही जाने वाली थी ना? Really? हाँ, बट मैं थोड़े दिनों के लिए फ्री हूँ। So I thought एक दो दिन और रुक जाती हूँ। Yeah? Yeah. Yes, yes, why not? ऑटो? आध्या, आध्या, तुम ऑटो क्यों ले रही हो? मैं ड्रॉप करूँ ना तुम? कोई बात नहीं जय, हम चले जाएंगे। अरे मैं ड्रॉप कर देता हूँ आध्या। आज का दिन कितना एक्साइटिंग था ना, कितना मजा किया हम दोनों ने, राइट? या ऑब्वियसली बहुत अच्छा था। ऐश्वर्या चलोगी? यही रहने का इरादा है। एवी, इट्स ऐश, नॉट ऐश्वर्या। सॉरी, लेकिन ऑटो वाले भैया कब से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी घर जाना होगा, खाना वाना खाना होगा। नहीं मैडम जी, हम तो ऑटो रात को निकलते हैं और खाना भी खा के। सी, यू ओवर रिएक्टिंग। जय, मैं जा रही हूँ। हाँ, आई नो तुम जा रही हो। तुम मुझे ऐसे ही भेज दोगे? नो गुड बाय रिचुअल। अब मैंने तो उसको बोला कि मैं ड्रॉप कर देता हूँ, बट उसने बोला मैं ऑटो में जाऊंगी। जय, आई एम टॉकिंग अबाउट द गुड बाय रिचुअल। गुड बाय रिचुअल? हमारे ब्रेकअप को ना भी इतना टाइम भी नहीं हुआ कि तुम गुड बाय रिचुअल भी भूल गए। Okay. I don't even get a hug. Obviously you'll get a hug. Obviously. 5 minutes पहले तक तो जय के लिए हमारी दोस्ती सबसे खास, और अब ऐश्वर्या उसके गले लग रही है, उसे किस कर रही है, और जय को कोई दिक्कत नहीं है। Take care, okay? You too, take care. ऐश्वर्या चलो, यही रहने का इरादा है क्या? What's wrong with you, Avi? तुम इतना shout क्यों कर रही हो? वो तुम्हारे शॉपिंग बैग? ओह या, प्लीज गेट देम ना। यस यस, आई विल।
चलो भैया। ऐश्वर्या, तुम यहाँ कैसे रुकोगी? तुम तो कपड़े नहीं लेके आई हो। So what? जय ने मुझे इतने सारे कपड़े गिफ्ट तो किए हैं। और वैसे भी कपड़े कम पड़ गए तो जय तो है ही। By God रख जो। आधा की शक्ल देखने लायक नहीं थी। हाँ यार ऐसे गर्म हो रही थी। अगर सर पे आटा रख दो तो रोटी बन जाती। हाँ यार गुस्सा तो थी। और भाई जय, मुझे लगता आदिया तेरे लिए कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो रही है। क्या ये सब कपड़े जय ने तुम्हें गिफ्ट किए? ऑब्वियसली, हो क्या गया तुम्हें? तुम्हें याद नहीं है तुम्हारे सामने तो दिया। और वैसे भी वो मुझे पहले भी बहुत सारे गिफ्ट दे चुका है। आदिया, मुझे सिर्फ मेरे लिए और क्या? ऐश्वर्या, पहले की बात अलग थी, अब बात अलग है। तुम ऐसे कैसे सबके सामने जय को किस कर सकती हो? आई मीन सब थे वहां पे, सब क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में? यही सोचेंगे कि मैं 21st सेंचुरी की लड़की हूँ। This is very normal, babe. लोग तो आजकल लिप किस करते हैं। शुक्र मनाओ कि मैंने तो गालों पे किस किया। So chill, babes. मम्मी जैसी बात मत कर। ऐश्वर्या, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई कि लोग मुझे आंटी या मम्मी बुलाएंगे। मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जय एक लड़का है और उसके सामने ये छोटे छोटे कपड़े पहनना, उसे सबके सामने ऐसे किस करना, ये सब अच्छा नहीं लगता है। तुम उससे थोड़ा दूर रह के बात किया करो। क्या पता उसके मन में तेरे लिए कुछ कुछ हो रहा हो। अबे तू पागल हो गया? वो आद्या है, वो मुझे कभी पसंद नहीं करेगी। और उसे मेरे जैसा लड़का तो कभी पसंद नहीं आएगा। इनफैक्ट उसे तो ऐसे लड़के पसंद है जो स्वीट हो, सिंपल हो, संस्कारी हो, हाई वैल्यूज हो जिनकी, हम जैसे लफंगे नहीं। और वैसे भी हो भी क्यों ना, वो खुद ही इतनी स्वीट है, केयरिंग है, सिंपल है, इतनी परफेक्ट है वो, उसे तो कभी कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहिए। What? दूर रह के? और वो भी जैसे? बेब, शायद तुम जय को अच्छे से जानती नहीं हो। तुम तो खाली उसकी अच्छी फ्रेंड हो, मेरा तो वो बॉयफ्रेंड रह चुका है। Oh yeah, come. I'll show you something. Sit. तो हमारा पोता किसी से कम है क्या? परफेक्ट पोता है मेरा, परफेक्ट पोता है। और अगर आध्या इसकी बेस्ट फ्रेंड है तो ये भी आध्या के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। ऐसा था हमारा रिलेशन। और वैसे भी जय उन लड़कों में से है ही नहीं जो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करे। ओया, अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? I swear on my Mata Rani, जैसे बेटर किसर मुझे आज तक नहीं मिला। ओ जय, For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.